बच्चों क्लास टेंथ आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग की ऑनलाइन क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अपने इसके पहले के लेक्चर इसके प्रीवियस के लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे थे। अगर आप लोग इसके पहले का देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि इसके जस्ट पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। और जब हमने अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण किया था तो टोटल वहाँ पे कितनी स्थितियाँ आई थी, टोटल वहाँ पे हमारे पास 6 स्थितियाँ आई थी। और लाइन से करके अपने पांचवें और छठे चैप्टर में लाइन से करके 2 स्थितियाँ उसमें और 4 स्थितियाँ अगले वाले लेक्चर में 6th लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या बात करना है, अब हमें बात करना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण पे मतलब अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने अवतल दर्पण लिया था उसी तरह उत्तल दर्पण पे वस्तु रखेंगे और देखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हर्षित और मैं आप लोग को साइंस पढ़ाता हूं। शुरू किया जाए, इतना इंट्रो बहुत हो गया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, हम बनाते हैं सबसे पहले एक उत्तल दर्पण। चलिए ये एक उत्तल दर्पण हमने बना दिया है। उत्तल दर्पण बनने के बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा जो वहां था, यहां पे भी रहेगा। ध्रुव वहां बनाते थे, ध्रुव यहां बना दिए। वक्रता केंद्र बनाए। अब देखिए वक्रता केंद्र थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, जो थोड़े समझदार हैं जो कई बार रिवाइज कर चुके हो जानते हैं कि गोला इधर पूरा होगा तो केंद्र इधर कहीं होगा, फोकस इधर कहीं होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और ये अपना मुख्य अक्ष हो गया। देखिए सबसे पहली बात ये है कि यहां पे कितनी स्थितियां बनेंगी, मतलब हम वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। वहां पे आपको ध्यान रहा होगा F और C यहां पे था, तो F और C होने के पीछे 5 स्थितियां बन रही थी, टोटल 6 स्थितियां कुल मिला के अनंत को लेके बन रही थी। लेकिन यहां पे आप देखिए कोई बिंदु बीच में तो है नहीं, मतलब अगर आपने वस्तु दर्पण के पास रखा, आपने वस्तु को कहां रखा, आपने वस्तु को अगर दर्पण के पास रखा तो एक स्थिति वो हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे अनंत और ध्रुव के बीच में। और दूसरी स्थिति जब वस्तु बहुत दूर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे अनंत पे। तो यहां पे कुल मिला के कितनी स्थितियां हमको मिल रही हैं, यहां पे कुल मिला के हमको 2 स्थितियां मिल रही हैं, कोई तीसरी स्थिति नहीं मिल रही है, 1 और 2। बोलो क्लियर है बात। पिछले वाले जब हम अवतल दर्पण लिए थे वहां पे हमको टोटल 6 स्थितियां मिली, लेकिन यहां पे केवल हमको 2 स्थितियां मिलेंगी। पहला जब वस्तु कहां पे है, अनंत पे है, और दूसरा अनंत तथा ध्रुव के मध्य। तो इस इन 2 केस के अलावा कोई 3rd केस हमारे पास नहीं होगा। चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले वही पुराना प्रोसेस, हम ऊपर डाल देते हैं स्थिति 1 और स्थिति 2, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है, 7 में भी आ सकता है, 7 में बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है कि बोर्ड में ये तो आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है किस तरह आएगा, तो कई बार कह देगा जैसे हमने पिछली बार बताया था, क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु अनंत पे है तो हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा यही पूछे, उल्टा भी पूछ सकता है कि उस दर्पण का नाम बताइए। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको करते हैं। स्थिति 1 कब, वस्तु कहां पे है, जब वस्तु
अनंत पे हो। वस्तु कहाँ पे भैया? वस्तु अनंत पे है। चलिए हमने क्या बनाया, हम कौन सा दर्पण बनाए? ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को अनंत पे रखना है, और अनंत पे है इट मीन्स दैट कि हमारी जो वस्तु है वो कैसी है, वो बहुत बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी होगी। हमने एग्जांपल दिया था जैसे फ़ोन के टावर, जिसको हम दूर से देखते हैं तो छोटा लगता है, लेकिन पास से जाके देखते हैं तो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो नहीं जाता, बड़ा रहता है, वो देखने में बड़ा लगता है। अब देखिए हमने किया क्या, किरण आरेख के अवतल के भी तीन नियम थे, उत्तल के भी तीन नियम थे। पिछले जो छह स्थितियां हमने यूज की वहां पे अवतल के हमने नियम यूज करे, यहां पे दो स्थितियों के लिए हम उत्तल का यूज करेंगे। अब उत्तल का नियम याद करते हैं, जिनको नहीं याद है जल्दी से पिछले लेक्चर का नोट्स खोलो, याद करो कि जब भी कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो, अब हमने ये एक कीवर्ड बताया था कि मुख्य अक्ष पे आएगा तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष पे आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से ही जाना है भाई, कहीं और से नहीं जाना है, कहां जाना है, फोकस से जाना है। लेकिन यहां पे तो फोकस पीछे है, यहां पे फोकस कहां है, यहां पे फोकस पीछे है, तो ये फोकस पे जाएगा नहीं, फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा। बोलो होगा, जब भी कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पे आएगा तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा। क्या प्रतिबिंब का निर्माण हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको कम से कम कितनी किरणें चाहिए? दो परावर्तित किरणें चाहिए। एक और लाइन, अब देखिए यहां पे हमने कहा था ना अनंत जो होता है थोड़ा एक्सेप्शन केस होता है क्योंकि वो बहुत दूर होता है, तो हम फिर से पहला ही नियम यूज करेंगे। एक और प्रकाश किरण लाए, परावर्तन हुआ, जाती हुई प्रतीत होने लगी। अब देखिए यहां पे हमने दो किरणों को जान बूझ के मिलाया है, ये खुद ब खुद नहीं मिली है, इनको हमने क्या किया है, इनको हमने जान बूझ के मिलाया है, और जान बूझ के मिलाए हैं इस कारण से जो हमारा प्रतिबिंब बन गया वो कैसा बनेगा, कैसा नियमतः बनता या मिल जाता तो उसको हम वास्तविक बोलते थे, लेकिन यहां नियमतः तो नहीं, हमने जानबूझ के मिलाया। तो जब भी हम जानबूझ के मिलाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है? आभासी हमेशा सीधा होता है। बोलो बात क्लियर है? नोट करें, क्या नोट करते थे थोड़ा बताएंगे हमको? तीन चीजें नोट करते थे हम, पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। बोलो क्लियर है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पे बन रहा है, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, नियम से बन रहा है कि जानबूझ के मिलाए हैं, तो आप भी जान रहे हैं इसमें हम जानबूझ के मिलाए, तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। तो प्रतिबिंब को हमने जानबूझ के बनाया,
इस कारण से जो हमारा प्रतिबिंब हो गया वो आभासी है और सीधा हो गया। अगली चीज आकार, तो अब आप भी देख सकते हैं अनंत की वस्तु बहुत बड़ी है, हमारा प्रतिबिंब बहुत छोटा सा है, तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा है? बहुत छोटा है। बोलो क्लियर है बात? पहला कहां बन रहा है? तो देखो प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा है दर्पण के पीछे फोकस पे। प्रतिबिंब कैसा है? तो हमने जानबूझ के मिलाया है, इस कारण से ये कैसा है? आभासी है। तीसरा क्या है? वस्तु का आकार, तो वस्तु देखिए ये रहा, प्रतिबिंब हमारा ये रहा, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा है, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के संग हमारी जो प्रथम स्थिति थी या पहली स्थिति थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। हो गया, सफा करें। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे स्थिति की। तो भाई यहां पे दो ही स्थिति बन ही रही थी, पहला जब अनंत पे था और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। तो अब हम आ गए अपनी दूसरी स्थिति में। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। अब वस्तु कहाँ है? अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। फिर चलिए फिर से निर्माण करते हैं हम दर्पण का। ये बन गया अपना दर्पण, ये अपना हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। बोलो क्लियर है? वस्तु रखें, मुख्य अक्ष के समांतर भेजें, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। बोलो क्लियर है? अब कौन सा तीसरा नियम यूज कर दें क्या? क्योंकि फोकस तो पीछे है तो दूसरा नियम तो लगाने से रहे, और वस्तु भी यहां पे है तो कहीं ऐसे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, या दूसरा भी नियम यूज कर सकते, चलिए दूसरा ही। जब कोई प्रकाश किरण फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर या तीसरा ही यूज करते हैं, दूसरा गड़बड़ कर देगा काम, इसको काटते हुए जा रहा है मतलब वस्तु के आर पार जा रहा है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा ही लेते हैं, रुक जाइए, इसको थोड़ा डाउट हो गया था। हम क्या करें इसको, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होगी तो, क्योंकि दो देखिए वक्रता केंद्र पीछे है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। ठीक, अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने इसको बना दिया, ये गड़बड़ थोड़ा हमने किया, चलिए इसको सफा कर देते हैं। देखिए ये इन इस रेखा और इस रेखा की जो दूरी है, आप भी जानते हैं कि जब ये रेखा, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी तभी तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
ये और ये, क्योंकि ये भी परावर्तित है, ये भी परावर्तित है, ये आपतित है, ये भी आपतित है, तो इनके मिलने पे तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके और इनका मिलना बहुत जरूरी, तभी तो प्रतिबिंब हमको मिलेगा। बट आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि धीमे धीमे इनकी दूरी जो है, यहाँ इतना है, फिर यहाँ 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 यहाँ, मतलब धीमे धीमे दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ रही है इट मीन्स दैट कि कहीं भी ये मिलना नहीं, इसको अनंत तक भी ले जाए अगर हम, तो इसका मिलने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, वही पीछे वाला जानबूझ के, फिलहाल तो ये नियम से भी इसी तरह बनता, कुछ वक्रता के इन पे आते हुए प्रतीत होती तो कुछ इसी तरह का। तो जब इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दो के दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं, कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में। इसके जस्ट पहले वाले में क्या होता, फोकस पे ही मिल रही थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे ध्रुव और फोकस के बीच मिलेगी। तो लिखा जाए फिर से वही, बोलो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जानबूझ के भी नहीं, नियम ही हमने यूज किया, जानबूझ के हम कुछ कह ही नहीं रहे। नियमता जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, तो हमने वही किरण आरेख का नियम बना दिया। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पे आएगी तो वह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, हमने उसको बना दिया। और देखिए कायदे से ये दो के दोनों यहाँ मिल भी गए, तो प्रतिबिंब का निर्माण हमारे यहाँ पे होगा, लेकिन दर्पण के पीछे है, इस कारण से ये कैसा हो जाएगा, आभासी, और सीधा तो खुद ब खुद ही दिख रहा है। तो लिखा जाए प्रतिबिंब कैसा होगा, लिखिए प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में हुआ। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला लेते हैं, अगला क्या होगा, देखिए यहां पे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, क्योंकि सामने तो बन नहीं रहा, बैक साइड बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होती है तो उल्टी होती है, और जब भी आभासी होती है तो सीधी होती है। और आकार भी देख लेते हैं, तो वस्तु ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा और ये छोटा। तो लिखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से कैसा हो रहा है, छोटा बन रहा है। क्लियर है, हो गई हमारी दोनों स्थितियां। ध्यान दीजिए थोड़ी सी चीज, इसको नोट कर लिए, सफा करें इसको, कुछ बात कर लिया जाए। तो दर्पण में कुल मिला के हमको 8 स्थितियां पढ़नी है। दर्पण पे कुल कितनी स्थितियां पढ़नी है, इसको सफा कर देते हैं। दर्पण पे कुल हमको कितनी स्थितियां पढ़नी है, 8। अवतल दर्पण पे 6 स्थिति, उत्तल
दर्पण पे कितनी? दो स्थिति, ठीक है। इसमें जितनी स्थितियां थी, पहली कहां थी? अनंत पे, दूसरी अनंत तथा सी के बीच, अगली सी, अगली सी तथा एफ के बीच, अगली एफ पे, अगली एफ तथा पी के बीच। यहां पे ये जो शुरुआत की पांच स्थितियां थी, सबकी सभी कैसी थी? वास्तविक थी। और ये जो आखिरी स्थिति थी वो आभासी थी। बोलो थी। यहां पे कितनी स्थिति है? दो, पहला अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच। और यहां पे दो की दोनों जो स्थितियां हैं कैसी हैं? आभासी हैं। बोलो, याद है? समझ में आ गया? देखिए, इस पे क्या होगा, कई बार एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी आ जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के देख लेते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन जैसे इस तरह आएगा, यदि कोई दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण कौन सा है? यदि कोई दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी मतलब कि जो जिसमें प्रकाश किरणें मिले ना, जानबूझ के मिलाई जाए, तो दर्पण कौन सा होगा? अब देखिए, ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं हम अवतल, दूसरा लिख देते हैं उत्तल, तीसरा लिख देते हैं समतल, इस आखिरी लिख देते हैं तीनों। सोचिए। चलिए, एक काम करते हैं, इसका आंसर हम अपने अगले लेक्चर में, ये जो हमारा आठवां लेक्चर होगा, उसमें हम आपको बताएंगे। जिसको आ जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट कमेंट्स नहीं करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको जो सही लग रहा हो, अगर आपको अवतल लिख रहा है तो ए लिख दीजिए, दूसरा लग रहा हो तो बी सी डी, जो भी आपको सही लग रहा हो आप नीचे नीचे कमेंट करिए इसके बारे में, ए बी सी डी में जो भी आपको सही लग रहा हो आप उसको कमेंट करिए। बोलिए, बात क्लियर है? इसको यहीं पे खत्म किया जाए, अपने लेक्चर को भी यहीं हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के बाद, अब इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग शिफ्ट होंगे। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, या जो हमको बस पढ़ना था या लिखना था, वो चीज़ खत्म हो रहा है, और अब जो जिस साइड हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।